हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को चित्रधारी क्लासेस के नए वीडियो में स्वागत है। आज हम CGPSC और CG व्यापम पर आज हम उन्हीं टॉपिक्स में से केवल 5 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं अब हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया तो कुल कितने मत पड़े, ये हमको बताना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कुल मत जो है 100% है। पहले उम्मीदवार को कितना पड़ा है? 30%। दूसरे को पड़ेगा 100 ऋण 30%, इसका मतलब हो जाएगा 70% वोट दूसरे आदमी को प्राप्त हुआ। और 70% जिसको प्राप्त हुआ है वही इस चुनाव में जीत चुका है। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है 16,000 मतों से हार गया। तो देखिए, सेकंड पर्सन को 70% और पहले वाले को 30%, तो इसमें हार का प्रतिशत कितना हो जाएगा? हार या फिर जीत भी कह सकते हैं इसी को, हार या जीत का अंतर हो जाएगा 70% ऋण 30% बराबर कितना मिलेगा हमको? 40%। और यही 40% का मान जो है 16,000 है। तो 40% बराबर 16,000, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 400। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 400 × 100 बराबर 40,000। और 40,000 ही हमको पूछा हुआ है कुल कितने मत पड़े, तो ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये हमको बताना हुआ है। ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके अनुसार हमको चेक करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मान लेते हैं, माना कुल मत या वोट 100% है और यही 100% का मान जो है हमको कितना दिया हुआ है? 7500 दिया हुआ है। 1% कितना हो जाएगा? 75 वोट के बराबर। अब देखिए प्रश्न में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है, तो वैध मत कितने हो जाएंगे? 100 ऋण 20% बराबर 80% जो है वैध मत है। तो कुल कितने वोट हो जाएंगे? 80 × 75 बराबर, तो 6,000 जो है हमारे पास वैध मत हो गए। प्रश्न के अकॉर्डिंग एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला है, मतलब 6,000 मतों का 55% एक उम्मीदवार को मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 100 ऋण 55 बराबर 45%। और यही 45% वाले का हमको वोट ज्ञात करना है। तो चलिए 6,000 का 45% निकाल लेते हैं। 6,000 का 45% हो जाएगा 45/100, तो ये 00 और ये 00 कट गया। तो 2700 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। अमन तथा रमन मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रमन तथा मनन उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मनन तथा अमन उसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। देखिए, अमन प्लस रमन है, ये कितने दिनों तक कार्य किए? 30 दिन तक कार्य किए। रमन प्लस मनन, इन्होंने कार्य किया है 36 दिनों तक,
मनन और अमन इन्होंने 45 दिन तक कार्य किया है, मनन प्लस अमन। 30, 36 और 45 का हम लोग लघुतम समापवर्त निकाल लेते हैं, तो इनका लघुतम समापवर्त आ जाएगा 180। 180 जो है कुल काम होता है, इसका एक दिन का कार्य भी हम इसके सहायता से निकाल सकते हैं। 30 से भाग देंगे 180 को तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में। 36 से भाग देंगे तो ये बार जाएगा 5 बार में, और 45 से भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार में। अमन और रमन की क्षमता जो है 6 है, रमन प्लस मनन की क्षमता जो है 5 है एक दिन की, मनन प्लस अमन की क्षमता एक दिन की 4 है, और हमारे पास कुल काम कितना है 180 है। तो प्रश्न में पूछा है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। देखिए कुल काम जो है 180 है, अमन प्लस रमन प्लस मनन, इनकी क्षमता हो जाएगी 6 और 5 11, 11 और 4 15, इन तीनों को जोड़ने पर इनकी क्षमता हो जाएगी 15। तो एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी, तीनों मिला के एक दिन की क्षमता है, इसी क्षमता को अब हम लोग यहाँ रखेंगे। तो कुल कार्य है 180, क्षमता हो जाएगा 15/2। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 180 × 2/15, तो ये जाएगा 15 × 1=15 और 15 × 2=30, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 × 2=24 दिन। 24 दिन इस इन तीनों को इस कार्य को समाप्त करने में लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी है, ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु हो जाएगी 20 वर्ष, तो ए प्लस बी प्लस सी की कुल आयु कितनी है, 20 × 3=60 वर्ष, ये इन तीनों की कुल आयु हो जाएगी। अगली बार के क्वेश्चन में फिर से कहा है ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो, तो ए प्लस बी का कुल आयु कितना हो जाएगा, 19 × 2=38 वर्ष। अब हमें यहाँ पे सी की आयु निकालनी है, सी की आयु के लिए क्या कर सकते हैं, अब हम ये हो जाएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी ऋण ए प्लस बी करेंगे तो हमको सी का मान मिल जाएगा। तो चलिए अब ए प्लस बी प्लस सी की कुल आयु रख देते हैं 60 वर्ष, और माइनस ए प्लस बी करेंगे तो ये है 38 वर्ष। तो 60 × 38 करेंगे तो कितने मिलेगा, 10 में 8 गया 2 और 5 में 3 गया 2, तो सी की कुल आयु मिल जाएगी 22 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए पांचवा प्रश्न है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो गेहूं की वास्तविक भाव व कमी होने के बाद गेहूं का नया भाव क्या होगा, तो चलिए अब हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। प्रारंभ में गेहूं जो है 100% था, इसमें कमी होने के बाद 20% की कमी होने के बाद इसका जो भाव है 80% हो जाता है, तो इन दोनों का जो अनुपात है 80/100, ये हमारा हो जाएगा पुराना भाव और ये हमारा हो जाएगा नया भाव, इन दोनों को कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4/5। 4 जो है 5 से 1 अधिक है, +1, इसी +1 का मान जो है 10 किलोग्राम दिया हुआ है, क्योंकि कमी होने से 10 किलोग्राम अधिक खरीद सकते हैं, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा 40 किलो। पहले की स्थिति में हम लोग 600 रुपये में 40 किलो खरीद पाते थे, जबकि भाव में कमी होने के बाद हम लोग इसको 50 किलो
खरीद पाते हैं। तो इसका पुराना भाव देख लेते हैं, 600 रुपये में 40 किलो 15 बार में। तो ये हो गया हमारा 15 रुपया पुराना भाव, जबकि नया भाव हो जाएगा 600 भागित 50, तो ये हो जाएगा 12 रुपये। तो नया भाव जो है 12 रुपये और पुराना भाव 15 रुपये, इसलिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ठीक हैं। अगर वास्तविक भाव पूछा है तो 15 रुपया और नया भाव पूछा है तो 12 रुपया, इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। कहीं कोई डाउट हो या और किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में।